कक्षा चौथी से आपकी चमक से कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है पते की बात। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बात की बात है, एक व्यापारी था जिसके पास तीन ऊँट थे, जिन्हें लेकर वह शहर शहर घूमकर कारोबार करता था। एक बार कहीं जाते हुए रात हो गई थी, तो उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं सराय पर रुक जाता हूँ और अपने ऊँटों का सराय के बाहर बांध देता हूँ। वह अपने ऊँटों को बांधने लगा। उसने अपने दो ऊँटों को तो बांध लिया, लेकिन जब वह अपने तीसरे ऊँट को बांधने लगा तो उसकी रस्सी खत्म हो चुकी। तभी उधर से एक फकीर निकल गए थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान दिख रहे हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। व्यापारी बोला, हाँ बाबा, मैं पूरा दिन घूमते हुए थक गया हूँ और मुझे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस तीसरे ऊँट को बांधने गया तो उसकी रस्सी कट गई। व्यापारी की समस्या सुनकर फकीर बड़े जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम अपने तीसरे ऊँट को भी ठीक उसी तरह बांधो जैसे तुमने अपने दोनों ऊँटों को बांधा है। फकीर की बात सुनकर व्यापारी हैरान हो गया और बोला, मैंने अपने तीसरे ऊँट को कैसे बांधू, उसकी रस्सी तो खत्म हो चुकी है। फकीर बोला, तो मैं कब कह रहा हूँ इसे रस्सी से बांधो, इसे कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने ऊंट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डाल के उसको बांध दिया और ऊंट आराम से बैठ गया। फिर व्यापारी सराय के अंदर जाकर अपनी नींद लेने लग गया। सुबह उठकर वह अपने ऊंटों को खोल लिया। उसने अपने दो ऊंटों को तो खुदा, लेकिन दूसरा ऊंट तो उठ ही नहीं रहा था। इसमें गुस्से में आकर व्यापारी ने ऊंट को बहुत मारा। तभी वही वैद्य आई और बोली, क्यों हुआ, इस बेचुआन को क्यों मार रहे हो। व्यापारी बोले, महाराज मुझे जाना है, यह ऊंट है कि उठ ही नहीं रहा है। फकीर बोले, तुमने इसे तो खोला ही नहीं है। व्यापारी बोले, तो मैंने कल इसे कौन सा सच में बांधा था, मैंने तो बस बांधने का नाटक किया था। फकीर बोले, जैसे तुमने इसे कल बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम्हें इसे खोलने का भी नाटक करना होगा। व्यापारी ने खोलने का नाटक किया, ऊंट जल्दी से उठ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसे ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधे रहते हैं, लोग भी पुरानी रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं।